Hello, everyone. This is Dr. Anjali Shrivastava, the retired zoology professor, and this is my YouTube channel, Ada So, our today's topic is the lecture two in the immune system series or immunology series, lecture two, that is, types of B cells and T cells. What are B cells? What are T cells? And what are their types? That is, the types of B cells and T cells. As mentioned earlier, Uh, मैं एक सीरीज ऑफ इम्यूनोलॉजी बना रही हूँ लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी देखे या बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम देखे और मैं ये भी बता चुकी हूं कि ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये रिक्वेस्टेड बाय द एमएससी सेकंड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ये हैं अगर आपको भी किसी और पर्टिकुलर वैसे तो आप जानती हैं इम्यूनोलॉजी में इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी जो हमारी सिस्टम को डिफेंस करती है बॉडी को डिफेंस करती है प्रोटेक्ट करती है एवरी फॉरेन इन्वेडर्स हमारी बॉडी बहुत ही एंटीजन पैथोजेन से घिरी हुई रहती है हमेशा इंटरनली भी एक्सटर्नली भी बट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन एक व्यूअर का आया हुआ है कि मैंने बताया कि एंटीजन ट्रिगर करते हैं तब इम्यून सिस्टम काम करता है तो एंटीजन तो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज आई एम टेली कि बॉडी में एंटीजन हर तरफ प्रेजेंट है एनाटॉमी में हमारे फिजियोलॉजी में हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमारे और उनको उनसे लड़ने के लिए उन अगर वो पैथोजेंस हैं अगर वो हार्मफुल नहीं हैं तो ये हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है पहचानता है कि कौन से सेल्स हार्मफुल हैं उनको भगाना है या उनको किल करना है कौन से सेल्स हार्मफुल नहीं है तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं होता है तो ये तो हो गया इंक्वायरी का आपका आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये भी हमने देखा था कि इस तरह का इम्यून सिस्टम जो बॉडी की सुरक्षा करता है वो दो तरह का होता है इननेट और अडाप्टिव या एक्वार या लॉन्च तो इननेट है इनबॉर्न कैपेसिटी हमारी जो बॉडी की रक्षा करती है बाय द फॉरेन इन्वेडर्स और ये ज़्यादातर फिजिकल या अनाटोमिकल या केमिकल या फिजियोलॉजिकल बेरियर्स के थ्रू होता है जो कि सेल्स को जिनमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं विच आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू ओनली जो कि ऑप्सोनाइजेशन से प्रोटीन्स उनके सरफेस पर जो आते हैं और वो ऑप्सोन प्रोटीन्स स्पेसिफिकली होते हैं जैसे कि ये पर्टिकुलर होते हैं अलग अलग तरह के एंटीजेंस या पैथोजें स्पेसिफिक होते हैं और उनको पहचान करके उनको फैगोसाइड्स माइक्रोफेज हों डेंडिटिक सेल्स हों या अलग अनदर किलर सेल्स होंट सिस्टम के वो किल कर देते हैं किल करने का मतलब क्या होता है जो पैथोजेंस हैं उनके जो जिनोम सिस्टम है उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन से उनको फ्रैगमेंट्स कर देते हैं और इस तरह से वो सेल्स मैक्रोफेजेस uh, उनको इनगल्फ कर लेते हैं और वो फ्रेगमेंटेशन को डिसंटीग्रेट कर देते हैं उन्हीं में से कुछ फ्रेगमेंट्स को Uh, जो फर्दर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जब ट्रिगर uh, होता है एक्टिवेट होता है तो कुछ सेल्स चाहे वो बी सेल्स हो चाहे वो टी सेल्स हो लिम्फोसाइड्स में लिम्फोइड सेल्स में जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो मुख्य सेल्स हैं ये भी हमने देखा है पिछले क्लास में वो बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं ऑफ़ कोर्स थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोटिक सेल्स जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स जो ज़्यादातर इनट इम्यून सिस्टम में काम करते हैं और वो थ्रू या सेल्स किल कर देते हैं फ्रेगमेंटेड कर देते हैं सेल्स को और इन्हीं का एडवांस रूप होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया आपका वो होते हैं फिजिकल स्किन हो गया म्यूकस एपिथेलियम हो गया स्वेट ग्लैंड्स हो गया ऑयल ग्लैंड्स हो गए तो ये बेरियर्स अगर किल करके पैथोलॉजी uh, पैथोलॉज uh, से कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करते रहते हैं बट इन कुछ कंटिन्यूस पैथोजें के अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बहुत सारे क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा में होते हैं जो आइडेंटिफाइड उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए बाय द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी तभी वो उनको क्लियर कर पाएंगे अगर वो उस तरह के प्रोटीन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो वो झट से भाग करके अंदर चले आते हैं ऐसे पैथोजेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके सेकंड लाइन में पहुंच जाते हैं थ्रू द ब्लड एंड दलिम्फेटिक फ्लूइड्स और तब उनको मारने का काम जो एडवांस अः इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का वो अब uh, काम करना शुरू होता है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो पैथोजेंस पर जो उनके सरफेस प्रोटीन्स हैं इसमें से स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी देखे हैं कि इम्यून सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं बहुत सारे सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़ करके जैसे हे, टी सेल से, अगर हम आप देखें तो इसमें आगे हम यहाँ पे आप देखिए इसके बाद के नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि टी हेल्पर सेल्स अगर यहाँ पे शुरू करें तो ये जो बी सेल्स हैं ये बी सेल्स काम करते हैं ये एंटीजन को पहचानते हैं फिर इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करने में सबसे पहला ट्रिगर करता है टी हेल्पर सेल अब ये बी सेल को भी काम करने के लिए टी हेल्पर सेल पहले एक्टिवेट करता है इस पर रिसेप्टर्स होते हैं वो जो हमने पहले कहा कि फ्राग फ्रैगमेंट करते हैं उन फ्रेगो फ्रेगमेंटेड एंटीजें या जो एंटीजेंस को पकड़ा है जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक पहुंच गए हैं बी सेल्स और टी सेल्स वो मिल करके वो टी हेल्पर सेल्स की सहायता से ट्रिगर करते हैं बी सेल को फिर बी सेल दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है मेमोरी सेल में ये फ्रैगमेंट्स के कुछ पोर्शन को ये मेमोरी सेल अपने में प्रोटेक्ट करके रख लेता है और वो बताता है कि आगे किसको किस तरह से काम करना है ताकि बॉडी प्रोटेक्टेड हो सके तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इम्यून सिस्टम इसको समझने के लिए आप अलग अलग बुक्स अलग अलग सिस्टम्स में बहुत तरह से आएंगे हम आज एकदम कन्फाइन कर रहे हैं बी सेल्स टी सेल्स क्या हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कैसे काम करते हैं किस तरह से सेल्स ट्रिगर्ड होते हैं ये इम्यून सेल के बी सेल्स टी सेल्स ट्रिगर्ड होते हैं और कैसे एक

और टी सेल के डिफरेंट सर्फेसिस पर भी एम एच सी के कॉम्प्लेक्सेस वन एंड टू होते हैं तो ये सारे हम रिसेप्टर जब देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे तो अभी हम देख रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बी सेल्स एंड टी सेल्स बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या हैं कहाँ पाए जाते हैं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है पैक्वेटिक इम्यून सिस्टम क्या है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है वेन द बॉडी इज इनवेटेड बाई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट

और तब अडाप्टिव इम्यूनिटी एडवांस होती है वो ट्रिगर ऑन uh, होती है और दीज आर द स्पेशल ऑप्स जिसको अभी हमने बताया आपको ऑप्शनाइजेशन से ऑप्शनेंस होते हैं ये स्पेसिफिक हैं के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड दे क्रिएट अ लाइन ऑफ डिफेंस दैट यूजेज पास बिहेवियर्स एंड इंटरक्शंस टू लर्न टू रिकोगनाइज स्पेसिफिक फॉरन थ्रेट्स एंड अटैक दैम When they reappear. तो ये हो गया है बी सेल ये invade करते हैं outside the cell, ये बाहर से ये इनके receptors हैं, ये protect करते हैं body को बी सेल को lymphocytes को बाहर से जो invaders आए हाँ, जो attack कर रहे हैं उन पर act करते हैं बशर्ते कि ये triggered हो जाए जैसा हम मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इनको भी ट्रिगर होना चाहिए ये एक्टिवेटेड तभी होंगे जब एंटीजन पे वो एंटीजेन प्रेजेंट है, है जो इनके सरफेस पर ये जो रिसेप्टर्स हैं इनसे इनके लिए स्पेसिफिक हों इनमें फिट हो सके एक बार ये ट्रिगर हो जाते हैं तो ये अटैक करते हैं उनको उनको फ्रैगमेंट करते हैं और फिर दो तरह के सेल्स बनाते हैं और टी सेल्स हैं ये इन्फेक्टेड सेल पर अटैक करते हैं अगर बी सेल ने उनको किल करने में पूरी तरह से सफलता नहीं पाई और वो ऑप्स या वो वो ऑप्सोन नहीं प्रेजेंट हैं उन इन्वेडर्स पे जिनसे ये ट्रिगर होगा बी सेल तो वो फटाफट अपने आप को क्लोन कर लेते हैं फटाफट प्रेट कर जाते हैं तो उनसे जो सेल्स जब तक टी सेल एक्टिवेट हो उसके डिफरेंट टाइप्स उसका किलर सेल एक्टिवेट हो और बाकी के किलर मेमोरी सेल एक्टिवेट हो और उन सेल्स पर काम करे तब तक कुछ सेल्स कुछ पैथोजें उन कुछ सेल्स को डैमेज कर देते हैं तो ये जरूरी है आप समझ सकते हैं कि अगर एक मछली मर गई है तो पूरे तालाब को गंदा नहीं करे पूरी बॉडी को खराब नहीं करे तो उस सेल को भी हटाना होगा पैथोजिन को तो हटाना ही है एंटीजन को तो हटाना ही है उसको डिसंटीग्रेट करना ही है उसके जीनोम को डिस्ट्रॉय करना ही है उसके साथ साथ जिस सेल को खराब कर चुका जिस सेल के जिनोम जीन, पर अटैक कर चुका वो पैथोजिन या इम्योनोजिन उस सेल को भी से सेल डेथ से अपने आप इम्यून सिस्टम को ही उस सेल को अपने सेल को ही मारना होगा वो काम करता है टी सेल और ये टी सेल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्स है इसमें चार तरह के सेल्स होते हैं ये हमने पीछे पिछले वीडियो में ये भी देखा है पर अभी हम और डिटेल्स में देखेंगे तो ये इस तरह से इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स नाउ अगर हम थोड़ा और डिटेल्स में बी सेल्स एंड टी सेल्स को देखें तो ये भी देख चुके हैं हम कि ये टी सेल्स हो बी सेल्स हों जितने भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ये सारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में ह्यूमोरल बोन मैरो के शाफ्ट में बोन मैरो है दिस इज द बोन मैरो यहाँ से जो स्टेम सेल्स होते हैं ये स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हीमोपाटिक सेल्स ये पहले प्रोड्यूस करते हैं हीमोपाटिक सेल्स हीमोपाटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के सेल्स माइलाइड सेल्स दीज रिकॉल कर सकते हैं आप पिछले वीडियो से माइलाइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स आज हम सिर्फ लिम्फोइड सेल पर कंसंट्रेट करें लिम्फोइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स माल सेल्स में बनाते हैं आर बी सी सेल्स बी सी प्लाज्मा बहुत तरह के सेल्स बनाते हैं जबकि लिम्फोइड सेल्स सेल्स में भी भी कई तरह के सेल्स हैं ये ये भी का ही पार्ट है बट इसमें मुख्य रूप से दो सेल्स पाए जाते हैं बल्कि तीन सेल्स पाए तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं बी सेल्स टी सेल्स एंड एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स एनके सेल्स इन इम्यून सिस्टम को कंडक्ट करते हैं और बी सेल एंड टी सेल्स इम्यून सिस्टम या एक्वाड इम्यून सिस्टम को कंडक्ट करते हैं ये इफ़ यू एंड द इनेट इम्यून सिस्टम इज क्विक बट शॉर्ट इनकी मेमोरी भी शॉर्ट होती है और मेमोरी uh, को याद रखना मुश्किल है जबकि बी सेल्स और टी सेल्स जो अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्सेलरेट uh, करते हैं वो थोड़ा टाइम ले सकता है कुछ घंटों से कुछ दिन तक ले सकता है बट इसके बाद ये बहुत फास्टली काम कर सकते हैं बी सेल की भी मेमोरी सेल होती है टी सेल की भी मेमोरी सेल होती है और ये मेमोरी सेल कंसेप्ट पर बेस्ड है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स अब अगर हम इनके टाइप्स देखें अच्छा ये भी थोड़ा सा हमने मेंशन मैंने मेंशन किया था बी सेल्स का फुल फॉर्म होता है बरसा बरसा ऑफ ऑफ फैब्रिकस और दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड फाउंड इन बर्ड्स और उसी के बेसिस पर इसको बी सेल कहा गया है बट कहीं कहीं पे आप ये भी मैंशन होता है बी सेल्स आर दोज लिम्फोसाइड सेल्स और इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मेच्योर ऑल्सो इन बोन मैरो में ही मेच्योर भी होते हैं तो दोनों तरह से आप बी सेल्स बी फॉर बोन मैरो बर्ड ग्लैंड जो कि मैन में भी वही काम करते हैं जो बर्ड का में वो ग्लैंड काम करते हैं उसके सेल्स तो ये हो गया बी सेल्स एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट दे रीच एन अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी

कहे तो वैसे ये भी चार तरह के होते हैं और ये भी चार तरह के होते हैं बट इनको मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया जाता है पहला होता है मेमोरी सेल्स और दूसरे होते हैं प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जब एक्टिवेट होते हैं जब ट्रिगर्ड होते हैं तभी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अदरवाइज ये ब्लड प्लाज्मा की प्लाज्मा सेल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं जबकि टी सेल्स चार तरह के होते हैं टी हेल्पर सेल जिसका सबसे वाइड रोल होता है इम्यूनिटी में ये पहले इस वही मैंने अभी आपको बताने जा रही थी मैं कि अब ये अंडा मुर्गी पहले की मुर्गी पहले शुरू होता है पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है तब बी सेल को एक्टिवेट करता है पर बी सेल भी ही तभी एक्टिवेट होगा जब इस पर हेल्पर सेल टी हेल्पर सेल काम करेगा ये टी सेल आएगा थाइमस वाला सेल uh, और ये बी सेल फिर एक्टिवेट हो करके फिर uh, ये बनाएगा मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल एंड देन दिस टी हेल्पर सेल अगेन इट इज ट्रिगरिंग रादर कंट्रोलिंग द अदर टाइप्स ऑफ टी सेल्स दैट इज टी हेल्पर सेल एक हो गया जो कि सब बी सेल को भी एक्टिवेट करता है और अपने टी सेल ग्रुप को भी काम करने में हेल्प करता है फिर दूसरा है टी सी सेल्स ये सबसे मुख्य टाइप ऑफ टी सेल कहा जाता है टी साइटोकाइन सेल और टी साइटोकाइन किलर सेल जो कि सेल्स uh, को उन इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करता है जो हमने इसके पहले स्लाइड uh, में देखा है आई अटैक इन्फेक्टेड सेल ये इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है ये टी सेल है इसके जो रिसेप्टर्स है ये सिक ये सिक ये भी सिक्रीट करते हैं सरफेस प्रोटीन्स और ये हैं बी सेल्स ये भी सिक्रीट करते हैं सरफेस प्रोटीन्स ये भी साइटोकाइंस या एंटोल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं एंटीजेंस पर जो सरफेस प्रोटीन्स हैं उनसे और ये सीडी ग्रुप्स जिसको हम कहते हैं एम एच कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं फिर कोवेलेंट सिंपैथिक बॉन्ड्स कहते हैं ऑप्सोन कहते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से होते हैं और इनका पूरा ग्रुप है इम्यूनोग्लोबियोलिन कहते हैं जो इम्यूनो इम्यूनोजेंस पर जो ग्लोब्योलिन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो चार तरह के होते हैं और ये एक हम अलग वीडियो में देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबलिन ग्लोबियोलिन क्या हैं कितने तरह के होते हैं और इनके बेसिस पर अल्फा बीटा गामा एंड uh, सिग्मा टाइप ऑफ इमिन होते हैं एंड डीज आर बेसिकली द रिसेप्टर्स तो जब हम रिसेप्टर देखेंगे तो इसके बारे में देखेंगे सो दिस इज अबाउट द बी सेल एंड टी सेल सो वी हैव सीन द बेसिक फैक्ट्स फॉर योर नोट यू कैन पॉज द स्लाइड्स टेक द स्क्रीन शॉट्स और zoom करके आप अपने नोट्स इससे लिख सकते हैं बेसिक points of the the B cells 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 and T T we have seen the T cells originate within bone marrow mature टीजीनेट विद इन फर्दर डिड इन टी हेल्पर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा झूठा हमारा हम देख रहे थे कि चार तरह के बी B cells, सेल्स uh, होते हैं चार तरह के बी सेल्स भी होते हैं but basically uh, दो तरह में इनको क्लस्टर कर सकते हैं मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल आगे हम देखेंगे कि भी चार तरह के हैं ट्रांजिशनल सेल then नाइव बी सेल्स प्लाजमा सेल्स एंड देन मेमोरी सेल्स और वैसे ही टी सेल्स भी चार तरह के होते हैं नाइव टी सेल्स को अगर हम असाइड कर दें नाइव इज तुरंत जो प्रोड्यूस होता है जो इनएक्टिव होता है वो एक्टिव तभी हो सकते हैं वो सेल्स जो चाहे वो बी सेल्स हों चाहे वो टी सेल्स हों जब वो नाइव हैं या ट्रांजिशनल फेज में है तब वो पर्टिकुलर काम जो उनको करना है वो नहीं कर रहे हैं पर ट्रांजिशनल फेज को ओवरकम ये स्पेसिफिकली बी सेल में होता है नाइव टी सेल या नाइव बी सेल आर द सेल्स विच आर बियरिंग द सर्फेस प्रोटीन्स जो, जो कि एंटीजन या पैथोजेन के रिसेप्टर प्रोटीन से ऑप्सोन से इंटरेक्ट करके उनको कंट्रोल करेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन बंद करेंगे उनकी क्लोनिंग बंद करेंगे और उनके कुछ पार्ट को मेमोरी सेल में डाल देंगे ताकि याद कर सके कि अगली बार जब फिर से वो पैथोजन काउंटर एक्ट करे, तो मेमोरी सेल ज़्यादा फास्टली एक्टिवेट हो सकें तो वो हम इसके बाद देखते हैं जब टाइप्स देखेंगे तो हम अभी देख लें टी सेल्स के चार तरह के होते हैं टी हेल्पर सेल टी साइटोकाइ सेल देन टी रेगुलेटरी सेल टी आर और एस इसको रेगुलेटरी सेल भी कह सकते हैं इसको सप्रेशर सेल भी कह सकते हैं ये ऑटो इम्यूनाइजेशन को कंट्रोल करता है अब एक बार मोश मोमेंटम में आ जाते हैं टी सेल बने जा रहे हैं मारे जा रहे हैं पैथोजेंस को तो अगर पैथोजेंस का मर चुके हैं और वो मोमेंटम में है अग्रेसिव हो चुके हैं तो ये रेगुलेटरी सेल्स टी सेल्स या सप्रेशर टी सेल्स बोलते हैं कि भाई ठंडे हो जाओ हम हमारा काम खत्म हो चुका है आज के लिए तो रेगुलेट करते हैं यहीं पर अगर टी सेल रेगुलेटरी सेल या सप्रेशर सेल में थोड़ी इनएफिशिएंसी आ जाए जिसको हम आ, इम्यून डेफिशिएंसी कहते हैं या इम्यूनिटी कम हो गई वाली बात जो कहते हैं तो ये सेल्स अगर आप प्रॉपर काम नहीं करें तो ऑटो इम्यून डिजीजेस होने लगते हैं क्योंकि वो अपने सेल्स अपनी बॉडी के सेल्स पर ही अटैक करने लग जाते हैं जो साइड के सेल्स हैं जिनसे बचा रहे थे जिन सेल्स को उन्हीं पर अटैक करने लग जाते हैं तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस कह जाते हैं और फोर्थ टाइप ऑफ टी सेल्स आर द टी डी सेल्स और टी एफ एच सेल्स भी इनको कहें पे कहते हैं दीज सेल्स

टाइप्स आई होप कि ये आपको काफी समझ में आया होगा और स्टूडेंट्स में बार बार बता रही हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको कि समझने के लिए आपको कई एक सीरीज को बहुत ध्यान से हमारे हर सीरीज को बहुत ध्यान से देखना सुनना और समझना होगा तभी आ, इसको आप समझ पाएंगी फॉलो कर पाएंगी सो so, प्लीज फॉलो माय अपकमिंग सीरीज और इसके इनके अलावा कुछ और आपको चाहिए तो आप बताइए सो दिस इज इन वेरी शॉर्ट द टी सेल की सिमिलैरिटीज यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बोथ आर ओरिजिनेटिंग विद इन बोन मैरो दे आर इन मैरोप्टव इम्यूनिटी टाइप ऑफ लिम्फोसाइड्स बोथ सेल्स आर ली एंड मोटाइड ये दोनों ही तरह के सेल्स इसके पहले ये भी हम बता चुके हैं आपको कि ये देखने में इनकी दे देर वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई उनको आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो वो कल एक ही तरह के दिखते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ही वो जो सरफेस प्रोटीन्स इन पर प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे सरफेस प्रोटीन्स के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स ऑफ़ के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं सी डी टू सी डी थ्री सी डी फोर सी डी एट सी डी ट्वेंटी सेवन सी डी एटी सी डी एटी सिक्स ये पूरा एक एक वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेस प्रोटीन्स पर एक पूरी वीडियो देख देखेंगे आगे के सीरीज में तो ये इन्हीं सरफस प्रोटीन्स और उनके बॉडी पर और जो आ, जो एंटीजन या इम्यूनिजन या पैथोजेन है उनके सरफेस पर जो प्रोटीन्स हैं इनके बीच का इंटरेक्शन ही इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है या सक्सेसफुल बनाता है ये सरफेस प्रोटीन्स कई तरह के होते हैं ये इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं ये सीडी ग्रुप्स भी होते हैं ये एम एस भी होते हैं ये कोस्टमिलेट्री प्रोटीन्स होते हैं ये ऑप्सोनस होते हैं बहुत तरह से बहुत वराइटीज ऑफ सल्फ्रस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन बी सेल्स एंड टी सेल्स और उन्हीं के बेसिस पर इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बोथ प्रोटेक्ट बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन बोथ आर नॉन एंड पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दे आर नॉन फैगोसाइटिक सेल्स तो जब हमने इसके पहले देखा है कि फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो डब्ल्यू बी सी के वो पार्ट्स हैं वो माइक्रोफेजेज हैं डेंड्रिटिक सेल्स हैं और कुछ किलर सेल्स हैं वो इननेट इम्यूनिटी को भी संभालते हैं और वो फैगोसिटिज्म से कंट्रोल करते हैं फैगोसिटिक सेल्स ऑफ अदर लिम्फो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीजन को एंडोसाइटोसिस से इंजेस्ट uh, करता है उसको फ्रैगमेंट करता है उसके फ्रैगमेंट्स uh, उस एंटीजन या पैथोजन के फ्रैगमेंट्स प्रोटीन्स के रूप में सरफेस प्रोटीन्स के रूप में उन मैक्रोफेजेस पर आते हैं और वो फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को फर्दर एक्टिवेशन फर्दर इम्यून सिस्टम की अडाप्टिव इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए एक्सेलरेट करने के लिए अभी डिफरेंस ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स को हम इस एक प्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं ये हैं आपके बी सेल्स इन पर ये एंटीजेंस अटैक कर रहे हैं ये इनको याद करते हैं कि अच्छा ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और जैसा मैंने बताया ये तभी अटैक एक्टिव हो, होंगे जब इन सेल्स पर ये बी सेल्स थोड़ी इनकी वीकनेस है कि ये हर पैथोजें से ट्रिगर नहीं हो सकते हैं इनको path... ये ट्रिगर तभी होंगे जब इन पर इन जो ये जो ये हैं इनके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन है वो एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर सेल को टी हेल्पर सेल आकर के बी सेल को एक्टिवेट करेगा अगर आइडेंटिफाई कर लिया उस सरफेस प्रोटीन को जो प्रेजेंट है पैथोजेन के ऊपर वो उस Uh, ये जो बी सेल है इस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ये बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होता है एंटीजन uh, स्पेसिफिक होता है सॉरी होस्ट तो यही हो गया तो ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है यहाँ पर अगर एंटीजन का फ्रैगमेंट आया या एंटीजन आया इसको अगर हेल्पर सेल एक्टिवेट किया और ये अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया तो ये इसको पकड़ लेगा इसको पकड़ करके इसको ट्रैप करेगा और फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा फिर ये एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होगा और बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाएगा ये एंटीबॉडीज की क्लोनिंग होती जाएगी मल्टीप्ला प्रोलीफरेशन होता जाएगा और ये पकड़ के किल करते जाएंगे इन पैथोजेंस को किल करने का मतलब हुआ इनका जो जीनोम है उसको उस पर लाइटिक एंजाइम्स की आ, के हेल्प से लाइटिंग इनको तोड़ते चले जाएंगे फ्रेगमेंटेशंस इनके और इन कुछ फ्रैगमेंट्स को ये जा करके स्टोर कर देंगे मेमोरी सेल्स में ताकि इसके बाद इमीड इसके तुरंत बाद अगर या कुछ दिन के बाद भी कुछ गैप के बाद भी यही सेल्स अगर अटैक करें फिर से उस बॉडी को और ट्रिगर करें उन टी हेल्पर सेल या बी सेल्स को तो तुरंत ये मेमोरी सेल जल्दी एक्टिवेट हो जाए और इमीडिएट मैसेज दे उन आ, प्लाज्मा सेल्स को जिनको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है और ये एंटीबॉडीज उन एंटीजन एंटीजन से या पैथोजन से जो स्पेसिफिक होते हैं उन उनकी जो वाई शेप है इनका यहाँ पे उसको कैच करेंगे उसके बाद इनको टी सेल आइडेंटिफाई करेगा टी सेल का साइट काइंस प्रोड्यूस होगा और वो उसको किल करेगा और इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा ये है सेल्स ये फिर से तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे ये एंटीबॉडीज़ को से पकड़ के इसको किल करेंगे और ये मेमोरी सेल को याद आएगा कि अच्छा ये तो वही है जो हम पहले हमको परेशान किया था इसको पकड़ के किल करो और अपने जो बाकी के सेल्स हैं पैगोसिटिक सेल्स आसपास के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा तो ये हो गया बी सेल्स जबकि टी सेल्स दे अराइज इन बोन मैरो बट माइग्रेट टू थाइम इन थाइमस थो गेट मेच्योर दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन अलोन ये बी सेल एंटीजन को स्पेसिफिक है तो पहचानेगा हेल्पर सेल की जैसे ही उसको ट्रिगर करेगा बट टी सेल अपने आप एंटीजन को पहचान नहीं सकता है इसके रिसेप्टर्स तभी एक्टिवेट होंगे ट्रिगर होंगे जब एंटीजन बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको एम एच सी मोलिक्यूल्स कहते हैं दैट इज मेजर हिस्टो कम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के सेल्स एक्टिवेट होंगे तभी टी सेल एक्टिव होगा इसमें जैसा मैंने आपको बताया दिस, इस एम एच सी कॉम्प्लेक्स के अलावा और सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो टी हेल्पर सेल्स पर प्रेजेंट हो जो होता है वो सी डी फोर होता है और टी साइटो टी सी या टी साइटोकाइंस या किलर सेल्स पर जो सरफेस प्रोटीन होता है वो सी डी एट होता है वैसे भी ग्रुप ऑफ सी डी सी डी के हैं क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन के सेल्स होते हैं जो जिनमें सी डी थ्री दोनों पर प्रेजेंट होता है सी डी फोर इस पे हेल्पर पे है सी डी एट साइटोकाइंस पे है फिर सी डी टू दोनों पे प्रेजेंट होता है कुछ और सी डी हैं जो जितने लिम्फोसिटिक सेल्स हैं सब पर प्रेजेंट होते हैं तो ये एक अलग मैंने पहले ही बताया कि हम अलग से देखेंगे सरफेस प्रोटीन्स क्या होते हैं कैसे काम करते हैं ना द टाइप्स ऑफ द टी सेल्स आर हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सेल्सर टी सेल्स और एक और जो इसमें नहीं है जो कहीं करता है कहीं नहीं करता है टी आर टी डी सेल्स विच एक्ट इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जीज़ now these these are the crucial steps for t cells a naive t cell encounters antigen combined with uh, mhc molecules on a cell then t cell proliferates ye pehla step hua ye dusra step hua then in third step differentiates into memory t cells and various type of effector t cells bahut tarah se effector t cells प्रोड्यूस होते हैं अफेक्टर बी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं ट्रिगर ट्रिगर uh, होने के बाद एफेक्टर टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे वेरियसली बिहेव एंड कंट्रोल द इम्यून सिस्टम्स एंड कंट्रोल कीप आवर बॉडी सेफ फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स नाउ दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये तो हम लोग बार बार देख चुके हैं ये एंटीजन है एंटीजन में ये जो फ्रेगो साइटोसिस है यहाँ पे माइक्रोफेजेज या डेंड्रिटिक सेल्स ने कैप्चर किया था एंटीजेंस को उनका फ्रैगमेंटेशन किया फ्रैगमेंटेशं ये बी सेल के अंदर इन ये फ्रेगमेंटाइज हुआ ये फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन है ये एंटीजन के जो फ्रैगमेंट्स हैं ये एक्टिव एक्टिवेट करते हैं आ, बी सेल को दिस इज द एक्टिवेटेड बी सेल इस पर ये रिसेप्टर्स uh, प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर बाइंड करते हैं दिस फ्रैगमेंट्स ऑफ दिस एंटीजन या पैथोजन से बाइंड करते हैं उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिंस जो रिसीव करता है और uh, थ्रू uh, uh, जो एक्सप्रेस होता है थ्रू अनदर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट इज टुगेदर इनको कहते हैं एम एच सी ग्रुप टू मेजर हिस्टोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये टाइप वन और टाइप टू होता है ये सी डी फोर एम एच ग्रुप टाइप टू प्रेजेंट होता है एक्टिवेटेड बी सेल पर और टाइप वन प्रेजेंट होता है टी हेल्पर सेल पर टी साइटोकाइन सेल्स पर अब ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुआ ये बहुत तरह का साइटोकाइन से इंटरल्यूकिन प्रेजेंट करता है ये इंटरल्यूकिन एक्टिवेट करते हैं ट्रिगर बी सेल को और ये प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना करके के किल करेगा पैथोजेंस को और मेमोरी सेल स्टोर करेगा इन फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर ताकि जब फिर से अटैक हो तो इमीडिएट उसको कंट्रोल कर सके कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से

एक्टिवेशन के लिए जो सरफेस प्रोटीन्स एंटीजन पर प्रेजेंट हैं वो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स आएंगे तभी पर्टिकुलर टाइप बी सेल एक्टिवेट होगा पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा इसीलिए तो अगर बी सेल अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है इसका मतलब आपके टी सेल्स का प्रोडक्शन या बी सेल्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है आपके इम्यून सिस्टम में दे आर इनकोडेड बाई जीन्स दैट आर असेंबल्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डी ये तो हम बार बार देख रहे हैं कि प्रोटीन्स आर आ, तभी काम करते हैं जब उनकी जो जीन्स में आ, जीन्स आप जानते हैं जीन्स आर द फ्रैक्शन करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन को तो उन प्रोटीन टाइप्स में एनकोड होते हैं एक्शंस ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स एंड एक्शन ऑफ विच को जिसे ट्रिगर करना होता है एंटीजन के प्रोटीन्स को they all have unique binding sites. the sites binding to the same antigen call an antigenic determinant or a epitope. epitope, hapten ye sab terms हम लोग पहले वाले वीडियो में use किए हुए हैं। अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो आप उसको recall कीजे। या अगर फिर से आपको जानना है जो बी uh, सेल और टी सेल के सरफेस प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव होते हैं और काम करते हैं वो कई तरह के होते हैं और जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं उनको हम एपिटॉप कहते हैं जो इम्यूनोजेन uh, या पैथोजन से बाइंड करता है वो एपिटॉप कहता है और वो साइट्स जो इनएक्टिव रहते हैं उनको हैप्टेंस कहते हैं एकदम शॉर्ट में आप इससे समझ सकती हैं नाउ दिस इज अगर हम इसको कंपाइल uh, करें तो द स्टिमुलेशन ऑफ सेल्स टू गो अवे गो एंड एंटर द सेल साइकिल ये मैसेज इन सेल्स को कैसे जाता है रिपीटेड माइटॉसिसल स्पेसिफिसिटी बहुत सारे मल्टीप्लाई होते हैं और इम्यून सिस्टम काम करता है सो नाउ दी सी द फंक्शन ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स द टी सेल्स इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंफेक्शन

स्पीड uh, में वो सेल को भी प्रोलिफरेट करा रहे हैं दैट इज एज वो जब बंच uh, बन जाता है तो कैंसरस हो सकता है बनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं तो हमारा बी सेल और टी सेल जब एक्टिव हो जाता है एफिशिएंटली काम करने लगता है तो वो इन इन बीमारियों से इस तरह के सेल्स के क्लस्टर्स को ख़त्म करता है बाई एपॉप्ट और बॉडी को uh, की रक्षा करता है नाउ बी सेल्स क्रिएट एंटीबॉडीज

now the let us come to the types of the next and a very important type is b cells ke types or t cells ke types iske pehle hum short mein dekh chuke hain four main types of b cells transitional naive plasma and memory bahut jagah aap two major types uh, bataye jate hain plasma cells and memory cells और transitional and naive cells अब ये इनको और भी further groups में बांटा गया CD किस पर प्रेजेंट रहता है ये आप अपने नोट्स के लिए या एक एक लाइन से आपका एक एक आ, ये जो डेफिनेशन डेफिनीशन सब मैंने यहाँ पे दिए हैं इनको आप फ्रीज करके इनके पॉइंट्स रखिए क्योंकि इसका एक एक लाइन आपके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है तो दिस ये स्लाइड हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ये टी सेल एंड बी सेल अच्छा ये बी सेल एक्टिवेशन वाला पार्ट जो है जिसमें रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं चाहे वो बी सेल का हो चाहे वो टी सेल का हो ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये एक एक लाइन आपके क्लोन्स कैसे होते हैं दीज आर द इसको मैंने हटाया इसलिए नहीं है पर यहाँ पे हम एक एक लाइन डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे हैं इसका हर लाइन आपको याद करने के लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वी आर हियर लुकिंग इन टू द फोर टाइप्स ऑफ

ये अपने आप एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करने लग सकते हैं इनको ट्रांजिशन होना होता है इमेच्योर बी सेल्स को मेच्योर होना होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल में कन्वर्ट होना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो एंटीजन या पैथोजन जिसने अटैक किया है उस वो उन इम्यूनिजन को एक्टिवेट कर सके बी सेल पर बी सेल पर आई हैव ऑलरेडी मेंशन की इम्यूनोग होते हैं चार तरह के Uh, पांच तरह के डी गेम डी इम्योनिजन इम्यूनोग्लोबुलिन डी इम्यूनोग्लोबुलिन ए इम्यूनोग्लोबुलिन एम इम्यूनोग्लोबुलिन ई तो ये पांच तरह के इम्योनोग्लोबिल है दे आर आइडेंटिफाइड द सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द एंटीजेंस एंड देन दे एक्टिवेट द नाइव सेल्स दे आर द नेक्स्ट पहली बार में मैच्योरिटी का फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजिशन दूसरा स्टेप होता है नाइव सेल नाइव सेल आर अगेन स्टिल दे आर इन एक्टिव सेल्स दे आर बियॉन्ड ट्रांजिशनल बी सेल्स आफ्टर बी सेल्स मेच्योर

एक्टिवेट करेंगे बी सेल्स को और दैट इज ए पी सी से एक्टिवेट होते हैं बाय एक्टिवेटेड बाय टी सेल और एन ए पी सी यहाँ से एक्टिवेट होकर के फिर ये मेमोरी सेल बनाएंगे और प्लाज्मा बी सेल बनाएंगे मेमोरी सेल में ये सी डी इन सी डी मार्कर या प्रोटीन सर सरफेस प्रोटीन मार्कर्स के फॉर्म में मेमोरी सेल्स में ये uh, uh, pro, uh, स्टोर हो जाएंगे आ, आ, ये प्रो, सरफेस प्रोटीन्स के फॉर्म में ताकि जब इस इन सरफेस प्रोटीन्स से इंटरैक्ट करने वाले प्रोटीन्स वाले इम्यूनोजेन पैथोजें फिर से अटैक करें तो ये मेमोरी सेल्स उसको पहचान लें और इमीडिएट इंकाउंटर एक्ट करने लगें और प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स हैं

सेल पर जो uh, के सरफेस uh, पर जो एंटीबॉडीज हैं उनसे और तब ये लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा ये कैप्चर करेंगे फ्रैगमेंट्स को एंटीजन के फ्रैगमेंट्स को और उनको किल करेंगे और बहुत बार प्लाज्मा सेल का जो आफ्टर uh, इफेक्ट होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत स्वेलिंग uh, हो जाती है स्किन पे सो दिस इज द टाइप्स ऑफ बी सेल्स नाउ द टी सेल टाइप्स अगेन नाइव टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स

then they will produce affected T lymphocytes सभी तरह के T lymphocytes को ये uh, activate करेंगे they interact with the host cells rather than the pathogen इसीलिए याद रखिए T cells pathogen से उसको कुछ नहीं लेना देना है. pathogen को activate करना होगा B cell को ही B cell activate करेगा antibody produce करेगा kill करेगा fragmentate करेगा और वो fragmentate uh, जो parts हैं उनकी सरफ़ेस प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना होगा, एफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स को, एंड देन दे विल यूज़ कोर रिसेप्टर्स टू बाइंड टू द हाइमेज़ी मॉलिक्यूल्स, एंड देन दिस कोर रिसेप्टर्स कैन बे आइडर सीडी फोर और सीडी एट, ये हेल्पर सेल्स पर सीडी फोर होता है और साइटोकाइंस uh, पर या किलर सेल्स पर सी डी एट होता है सी डी प्रोटीन्स हेल्प टू डिफ्रेंशिएट मेजर ग्रुप ऑफ एफेक्टेड टील सी डी एट टी टील्फोसाइट्स साइटोटॉक्सि क्रिएट करेंगे जो कि उस इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा वो पैथोजन को किल नहीं कर रहा है वो उस पूरे सेल को ही खत्म करेगा एपाप्टॉसिस से वो उस पूरे सेल को डिसंटीग्रेट करेगा और बॉडी से हटाएगा ताकि वो वहाँ से जो पैथोजेन है उसके भी आगे बढ़ने की क्लोनिंग करने की प्रोलिफरेट करने की संभावनाएं सारी खत्म हो जाएं। अल्टरनेटिवली सी डी फोर टी लिम्फोसाइट विल बिकम टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट ईच ऑफ विच स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर टास्क टी हेल्पर सेल तो बी सेल को भी एक्टिवेट कर रहा है टी सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहा है टी हेल्पर सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं नाउ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट किल देयर टारगेट सेल प्राइमरीली बाई रिलीजिंग साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स इन टू द टार्क Target cells. These cells recognize their specific antigen, such as fragments of viruses, only when presented on MHC class 1 molecules, as we have already seen. C D eight and MHC class 1 molecule surface proteins were present, hai, cytotoxic T cells, C D4 and MHC class 2 molecules present hai, uh, T helper cells. Pa. Now, MHC class 1 molecules interact with CD8 on uh, cytotoxic T cell. Cytotoxic T cell requires several signals. Ye activation hota kya hai? Cell signaling se cells activate hota and they pre are present on the surface of all nucleated cells. Now, MHC class 1 molecules interact with CD8 on cytotoxic cells. This interaction kaise hota hai? Ye, hum jab how the receptors work. Now, the T helper cells uh, lymphocytes, as we have already seen, they have a wide range of effector functions and can differentiate into many different subtypes, such as TH1, TH2, TH17, TFH cell and regulatory T cells. They become activated when they are presented with peptide, peptide antigens on MHC class 2 molecules.

And regulate the adaptive immune res uh, response. So, the T helper cells, how much important they are. Now, the memory cells. ये सिस्टम ये पूरा सिस्टम जितना अभी हम देख चुके हैं वो सारा यहाँ इस ये डिजिग्नेट कर रहा है टी सेल्स मोबिलाइज होते हैं उसके बाद दे इनकाउंटर एल्सिटिक सेल और बी सेल अब ये टी सेल यहाँ से मोबिलाइज हुआ उसके बाद ये एक्टिव आइडेंटिफाई करता है हेल्पर सेल को एंटीजन को एंटीजन को फ्रेगमेंटेट करता है फ्रेगमेंटेशन के बाद ये फ्रेगमेंट सरफे सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक एक फ्रैगमेंट के एक्टिवेशन uh, से ये एम सी एंटीजन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है और साइटोकाइंस या एंटेल्यूकिन या साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस दे ये फिर दो तरह से काम करते हैं पहला ये कुछ आ, और टी सेल्स को ग्रो करने में हेल्पर सेल्स प्रोलीफरेट करते हैं और दूसरा ये इंफेक्टेड सेल्स को किल करने का काम करते हैं एंड सम ऑफ द टी सेल्स बिकम हेल्पर सेल्स सिक्रेट साइटोकाइंस अट्रैक्टिंग फ्रेश माइक्रोफेज़ जो अब माइक्रोफेजी ये अटैक होता जा रहा है खत्म होता जा रहा है तो ये समराइज रिप्रेजेंटेशन uh, है टी सेल्स का और मेमोरी सेल्स नाउ मेमोरी सेल्स टी सेल रिसेप्टर है ये हम रिसेप्टर के बारे में अगले बार अगले वीडियो में देखेंगे स्पेसिफिक अ एंटीजन दीज आर स्टोर दीज दिस इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ अ मेमोरी अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ये फिर से रिसेप्टर सेल्स में ये बिल्कुल अलग से देखना होगा दिस मैसेज इज स्टोर्ड इन टू द मेमोरी सेल्स और ये इसकी जो वर्किंग है वो है थेरी ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दाइमस अट्रोफीज एज वी एज एंड सो प्रोड्यूस फ्यूअर नाइफ सेल्स टीलफोसाइड्स ओवर टाइम ये मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन कम होता जाता है और इस तरह से इम्यूनिटी कम होती जाती है एज के साथ

टी uh, सेल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स ये टी हेल्पर सेल्स हो गया ये साइटोकाइन uh, सेल्स हो गए ये कैसे एक्टिवेट होते हैं कैसे काम करते हैं इसकी पूरी वर्डिंग इसका भी हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस डिटेल वी विल सी अभी इम्यूनोलॉजी के बहुत वीडियोज़ हैं जिसको एक एक करके ही आपको देखना होगा नाउ

बी सेल्स को और साइटोक टी सी सेल्स को देन दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस परफोरस और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रैगमेंटेशन करेंगे और किल करेंगे इन्फेक्टेड सेल्स को भी और इन्फेक्टिंग पैथोजेंस को भी ये फर्स्ट चेक पॉइंट पर हो गया है इनट इम्यूनिटी एंड बी सेल एक्टिविटी और ये से सेकेंड पॉइंट हो गया बी सेल एंड सी सेल की एक्टिविटी तो ये डिटेल्स हैं टी सेल वर्सेस बी सेल ये हम लोग बार बार देख चुके हैं लैंग्वेज ये एक टेबल मैंने दे दिया है डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल यू कैन गो थ्रू दिस फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन पांच नंबर के क्वेश्चन में ये डिफरेंसिएशन आ सकता है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन सेल टाइप्स पे आ सकते हैं पंद्रह नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है मेरा इसका हर लाइन इंपॉर्टेंट है and, दीज आर सम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं आप ये क्वेश्चन को आप यहाँ से स्लाइड से अपने कॉपी uh, कर सकते हैं और ये हम अलग से फिर इसका वीडियो देखना होगा सो इट इट हैज़ अगेन बिकम अ लॉन्ग वीडियो बहुत कोशिश करते करते भी आई होप ये आपको टी सेल और बी सेल के बहुत सारे बातों को समझा पाया होगा